कोशांबी में माफिया अतीक के बहनोई एलाक और उसकी कार को बचाने में संदीपन घाट के दो दरोगाओं पर गाज गिरी है। जांच में लापरवाही सामने आने पर एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने इंस्पेक्टर राकेश राय और हरियातपुर चौकी इंचार्ज के यादव को निलंबित कर दिया। आपको बता दें, एक महीने पहले संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बसेड़ी गांव में संदिग्ध कार मिलने के बाद पुलिस की ओर से उदासीनता बरती गई। कार के मामले में व्यापक तरीके से छानबीन न करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया गया था। कार के साथ पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करते हुए दोनों को छोड़ दिया गया। जब मामला उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा पाया गया तो पुलिस महकमे के होश उड़ गए। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना संदीपन घाट की पुलिस चौकी हर्रायपुर पर एक लावारिस कार 6 मार्च को दाखिल की गई है जो संदिग्ध है। थाना प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज से इसके बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी सूचना किसी भी उच्चाधिकारी को नहीं दिया। जबकि 24 फरवरी को प्रयागराज में एक घटना हुई थी और उसके बाद अगर ये कार बरामद हुई थी तो उसके बारे में तत्काल सूचना उच्चाधिकारियों को देकर के इसके बारे में गहन छानबीन करनी चाहिए थी। इस लापरवाही के चलते कल रात को थाना प्रभारी संदीपन घाट और चौकी इंचार्ज हर्रायपुर को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। प्रत्येक बिंदु पर इस पर जानकारी की जा रही है। जाँच से जो तथ्य निकल कर आएगा उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।